हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हूँ रानिया और रोहन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर। इस वीडियो का टाइटल है इस मुसलमान लड़के ने गुस्ताखी रसूल की बोलती की बंद। तो देखते हैं ये वीडियो कैसी होने वाली है। आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में क्या बताया गया है देखते हैं कैसा जवाब दी है। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। आप लोग भी लास्ट तक के देखो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय शो द नूरीन शो। जिस तरीके से मस्जिद को तोड़ा गया, जिस तरीके से मुसलमानों पे हमला किया गया और शुरू से ही किया जा रहा है, इस्लाम को टारगेट, मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। आए दिन हम खुशबू पांडे और भी बहुत सारे अनभक्तों के भड़काऊ बयान सुना करते हैं, लेकिन कुछ हमारे सनातनी लोग हैं, सनातनी धर्म के लोग हैं जो इनको मुँह तोड़ जवाब देते हैं। मुसलमान तो देते ही देते हैं, लेकिन इनके खुद के धर्म के कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ इतने अच्छे लोग हैं कि इनको पलटवार करते हैं इनकी बातों का। आज इस वीडियो में हम एक भाई की वीडियो लेकर आए हैं जिन्होंने उन लोगों को इतना करारा जवाब दिया है। ये वीडियो आप लोग के लिए देखनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बहुत ही अच्छी और सच्ची बातें कही हैं इस भाई ने। मैं सैल्यूट करती हूँ ऐसे अपने मुसलमान भाइयों को और उन सनातनी भाइयों को भी सैल्यूट करती हूँ जो खुल के बोलने का जिगरा रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला बात कि जिस तरीके से ये रामनवमी के दौरान बंगाल के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में कई राज्यों में, चाहे वो बीजेपी शासित हो या नॉन बीजेपी शासित हो, जिस तरीके से दंगा हुआ एक रामनवमी का, मतलब एक राम को याद करके उन लोग राम का जुलूस निकाल रहा था, शोभा यात्रा, जो भगवान को याद करके जो लोग जुलूस निकाल रहा था, उस यात्रा में इस तरीके से दंगा, चाहे आप बोलिए कि यहाँ से हिंदू ने किया या वहाँ से मुसलमानों ने किया, सबसे पहला बात दंगा करने वाला ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। सबसे पहला बात जो ये दंगा हुआ ये बहुत निंदनीय है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। दूसरी बात हमको समझने पड़ेगा ये दंगा हुआ क्यों है। दंगा इसीलिए हुआ क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपया देंगे। अब 2 करोड़ नौकरी देता तो ये लोग दंगा ही नहीं बनते, ये दंगा करने के बदले घर के अंदर बैठे रहते। 15 लाख रुपया देते तो 15 लाख में कुछ अपना काम कर लेते। मोदी जी ने जब सरकार में आया था, आने से पहले कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक सर का बदले 10 सर लेके आएंगे। लेकिन मोदी जी ने आने के बाद क्या दिया? मोदी जी ने आने के बाद दिया घर वापसी, लव जिहाद, मॉब लिंचिंग, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाओ, मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाओ, हिंदू मुस्लिम दंगा, यही सब हुआ। अगर आप ये चीज करोगे तो किस तरीके से, ये तो दंगा तो होगा। तो प्रधानमंत्री का फेलियर की वजह से आप बता रहे हैं? एकदम प्रधानमंत्री का फेलियर नहीं है तो कहाँ से होगा। आप एक चीज बताइए, आप हिंदुस्तान में आप ये बोलकर आए थे कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन आपने क्या दिया? आप आने के बाद लव जिहाद दिए, आप आने के बाद घर वापसी, आप आने के बाद कभी अखलाक का लिंचिंग हो रहा, कभी पहलू खान का लिंचिंग हो रहा, कभी रकबर का लिंचिंग हो रहा। आप आए जिन जब मर्जी देख लो जहाँ तहाँ लिंचिंग हो रहा, यही चीज हो रहा है। तो लोग दंगा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वो तो कह रहे हैं कि मुसलमानों ने पत्थर मारा, हमने कुरान जलाया। आप एक चीज दिखाओ, अगर आप मेरा घर में, मेरा सामने साहब मस्जिद का सामने से जाओगे और मेरा मस्जिद में पत्थर मारोगे, कैसा जुलूस आप निकाल रहे हो कि मस्जिद के सामने पत्थर मार रहे हो? आप तो मस्जिद में पत्थर मारोगे, अब कोई लड़का वहां से मस्जिद के अंदर से रिटेलिएट करेगा तो बोलोगे कि मस्जिद से पत्थर मार रहा है? ऐसा क्यों होता है? जब दुर्गा पूजा निकलता है, जब कुछ दूसरा पर्व होता है, तब तो कभी जिंदगी में आज तक कहीं दंगा नहीं हुआ। गणेश पूजा होता महाराष्ट्र में दंगा नहीं हुआ, छठ पूजा था बिहार में दंगा नहीं हुआ। तो भाई ऐसा क्या होता है, तुम लोग रामनवमी ऐसा क्या करते हो कि भाई देख के वहां पर दंगा हो जाता है? तो बोलने का मतलब है कि भाई दंगा मत करो, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुलने का रहने का देश है, यहाँ पे दंगा करके किसी का नुकसान नहीं होता। दंगा होता है तो कुछ हिंदू भाई भी मरते, दंगा होता है तो कुछ मुसलमान भाई भी मरते, अरेस्ट दोनों तरफ से होता है। दंगा करके फायदा किसको होता है? फायदा किसी को नहीं हो रहा है। आप एक बात बताइए, जब हिंदुस्तान में जब मिलादुन नबी का जुलूस होता है, कोई एक मंदिर दिखा दीजिए जहां पे मंदिर को ढका जाता है। मंदिर को नहीं ढका जाता क्योंकि सबको पता है मुसलमान मिलादुन नबी का दिन में जाके मंदिर में जाके पत्थर नहीं मारेगा, मंदिर में जाके कुछ उल्टा सीधा नहीं करेगा, मंदिर के ऊपर जाके ग्रीन कलर का झंडा नहीं लगवाएगा, इसलिए मंदिर नहीं ढका जाता। लेकिन रामनवमी का दिन क्यों मस्जिद के ऊपर तुम ढक देते हो, पूरा कपड़ा से ढक देते हो? तुमने आने के बाद क्या नहीं किया? हमारे माँ बहन होली का दिन तुम होली त्यौहार मनाओ ना, अपना नाका पहन के मेरा माँ बहन जा रही, तुम उसके ऊपर होली से पानी मार रहे हो, रंग लगा रहे हो, तुम क्या सोचो? ये सब करके मुसलमान डर जाएगा? मुसलमान किसी का बाप से नहीं डरता है, एक जान है, मरना तो है लेकिन झुकेंगे किसी के सामने नहीं। जब मरेंगे तो एक आध को साथ लेके जाएंगे। तुमने बहुत जुलूम किया, तुमने जब आया लिंचिंग किया, तुमने हमारे मस्जिदों में अटैक किया। आज इस नौ बताइए, तुम हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहे हो, कुरान शरीफ का बेहरमुदी कर रहे हो। मैं मुसलमान कहना चाहता हूँ कि कब जागोगे? हशर के मैदान में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करोगे क्या बोलोगे? तो जब जिंदा थे तब तुम्हारे सामने हुजूर का शान में गाली दी जा रही थी, तुम घर में सो रहे थे, तुम्हारे इज्जत लूटी जा रही है, मस्जिद में ईटा मारा जा रहा है, मस्जिद में पत्थर मारा जा रहा है, हमारे माँ बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आए दिन हुजूर का शान में गुस्ताखी हो रहा है, मुसलमान को आए दिन लिंचिंग करने का बात हो रहा है, लेकिन मुसलमान घर में बैठा है। कब जागोगे? क्या जवाब दोगे अपने हुजूर को?
कि हुजूर हशर के जब हिंदुस्तान में जब हमारे नबी के सामने गाली दे रहा था यति नरसिंह आनंद, तब हम घर में सो रहे थे, जब मस्जिद में पत्थर मारा था घर में सो रहे थे, आज कुरान शरीफ जला दिया तुमने, क्या चाहिए और क्या करके मानोगे? कुरान शरीफ जला रहे हो, मुसलमान भी हिंदू का तरह हाथ में तलवार? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ संविधानिक तरीके से मुसलमान प्रोटेस्ट करे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुसलमान सड़क मार के हिंदू को मारे, ये तरीका नहीं है, ये संविधान इजाजत नहीं देता है, हमारे कौम इजाजत नहीं देता है, हमारे माँ बाप इजाजत नहीं देता है, हमारे बुजुर्ग नहीं बोला कि तुम हिंदू को पकड़ को मारो, नहीं तुम प्रोटेस्ट करो। और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर अपना नबी से प्यार करते हो, अपना कौम से प्यार करते हो, हिंदुस्तान से प्यार करते हो कि हर गलत चीज़ के खिलाफ तुम आवाज़ उठाओ, अगर कोई भगवत गीता को गाली दे तो तुम सड़क में आओ, कोई कुरान को गाली दे तो तुम सड़क में आओ, ऐसा नहीं है कि हम मुसलमान है तो कुरान को लेकर बोल रहे, लेकिन कितना बर्दाश्त करेंगे? आप एक बात आए दिन मस्जिद में हमला किया जा रहा है, कितना मुसलमान सड़क में आया आज बताइए? खुदा ना खास्ता इम्तियाज जलील औरंगाबाद में सारा रात मंदिर के अंदर था, क्यों मंदिर के अंदर था? उनको पता था अगर एक मंदिर में आग लग गया, अगर एक मंदिर में पत्थर चला हो गया, पूरा हिंदुस्तान में दंगा मच जाएगा, तो हम तुम्हारा मंदिर बचाएंगे, अब तुम हमारा मस्जिद में पत्थर मारोगे? ये सेकुलरिज्म है। और अगर हम ऐसा बात बोलेंगे तो आप बोलोगे ये मुसलमान का बात करता है? कौम के रहनुमा तो जागे हुए आवाज उठा रहे हैं लगातार। अरे कौम का कौन सा रहनुमा की बात कर रहे हो? यहाँ पे नया नया सब बाबा पैदा हुआ है इन लोगों का, एक बाबा मरा हुआ को जिंदा कर रहा है, जिंदा को मार दे रहा है, ऐसा तो बाबा पैदा हुआ है, कैंसर अस्पताल में सही नहीं हो रहा, बाबा का बाज रहा होम शिप बैलेंस बैलेंस करके वो ठीक कर दे रहा है, तुम ये सब पैदा करके कर रहे हो, लेकिन जब बोल रहे हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्या चीज़ का हिंदू राष्ट्र भाई, क्या चीज़ का हिंदू राष्ट्र? लेकिन कोई सवाल नहीं करता है। ममता बनर्जी का सरकार में आदमी अर्जुन सिंह जो बीजेपी के एमपी था, उससे पूछा गया कि बीजेपी कह रही है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि फ्यूचर में देखा जाएगा। क्यों, तुम सेकुलर सरकार हो, तुम बोलो कि हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता? बोलो तुम हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, ये हिंदुओं का जितना हक है मुसलमानों का भी उतना हक है। आप हिंदू मुसलमान का हमें हिंदू राष्ट्र की बात करोगे, लेकिन सेकुलर सरकार कभी आवाज़ नहीं उठाएगी, इसका मतलब आए दिन तो हिंदू को मुसलमान को भड़काते जा रहे हो, मुसलमान को तुम हमेशा हमारा इसका पैट्रियटिज्म के ऊपर सवाल उठाया जाता है, हमारे हमें देशद्रोही बोला, यू आर क्वेश्चनिंग ऑन आवर पैट्रियटिज्म, यू आर क्वेश्चनिंग ऑन आवर पैट्रियटिज्म, इफ यू वांट मी टू शो माय पैट्रियटिज्म बाय चैंटिंग भारत माता की जय वंदे वंदे मातरम ये सब कह के अगर तुम बोलते हो कि देश हम देश से भक्ति का अगर सर्टिफिकेट चाहिए, तुम्हारा वैसा सर्टिफिकेट कि इसका मकबूल अपना जूती में रखता है, संविधान में कहीं लिखा नहीं है भारत माता की जय बोलने होगा, भारत माता की जय बोलेगा मुसलमान को मारोगे, ये मोहब्बत है, भारत माता की जय बोले मस्जिद में ईटा मारोगे, ये मोहब्बत है, भारत माता की जय बोलेगा कुरान शरीफ जलाओगे, ये मोहब्बत है, मदरसा जला दिया तुमने, 4,500 किताबें जला दिया तुमने, कितना जुल्म करोगे? इदरीस पाशा को मार दिया तुमने, अमित शाह ने क्या कहा कि अगर हमारे सरकार रहते तो उल्टा टंगा देते, मध्य प्रदेश में किसका सरकार है, मध्य प्रदेश में किसका सरकार है, हरियाणा में किसका सरकार है, उत्तर प्रदेश में किसका सरकार है? बिल्किस बानो हमारी बहन को हमारी उनको रेप ही उनको जो रेप किया तो उसको उल्टा टंगाओ ना तुम, उल्टा टंगाओ तुम, क्यों नहीं टंगाते उसको उल्टा? तो बीजेपी राष्ट्र में ये तो बीजेपी जहाँ पे जहाँ जहाँ रूलिंग में है ये तो घटना देखने को नहीं मिलती है ना लगातार खाली। मध्य प्रदेश कहाँ है? मध्य प्रदेश में कौन है? उत्तर प्रदेश में कौन है? हरियाणा में कौन है? ये लोग सीधे हम धमका रहे फरीदाबाद से राम जुलूस निकाल रहे, छवि बर्बाद करने के लिए कर रहे हैं वो सब काम, रामनवमी का जुलूस निकाला फरीदाबाद से, एक भाई कह रहा है कि मुल्ले बाबर की औलाद पत्थर मार के दिखाओ, अरे मेरे भाई मुसलमान को पत्थर नहीं मारना है, तुम अपना रामनवमी निकालो, हम नहीं कहते कि तुम रामनवमी निकालो तो हम मारेंगे, नहीं नहीं मारेंगे भाई, तुम क्या जोश देखने मारो कि मुसलमान को बोले मार के दिखाओ, अरे नहीं मारेंगे, कोई बोला है कोई मुसलमान बोला है कि तुम्हारा रामनवमी जुलूस मारेंगे? नहीं मारेंगे, लेकिन मारोगे तो जवाब दिया जाएगा, अगर तुम मारोगे तो तुमको ईटा का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत बर्दाश्त हो गया, 2014 के बाद से तुम एनआरसी लाए, सीएए लाए, ट्रिपल तलाक लाए, 370 हटाए, तुम काले कानून लाए, आए दिन तुम एक्टिविस्ट को अंदर कर दे रहे हो, तुम्हारे खिलाफ पत्रकारिता कोई नहीं कर सक रहा, अरे मोदी जी अपने देश को क्या बना दिया, इंडिया का रैंकिंग देखो, इंडिया का स्तर का है, भुखमरी में इंडिया आगे है, आप अभी आज इसका रिपोर्ट आई उत्तर प्रदेश में क्लास 12 का इतिहास में मुगल का चैप्टर हटा दिया, अरे मुगल का चैप्टर हटा दोगे तो जब जो विदेश से लोग आते हैं क्या देखने आते हैं? अक्षरधाम देखने कोई नहीं आता है, उदयपुर देखने कोई नहीं आता है, आता है ताजमहल देखने, जो आपका बाप बनाया, जो मुगल को गाली दे रहे हो उन लोगों ने जो बनाया, ताजमहल देखने आता है, लाल किला देखने आता है, फतेहपुर सिकरी देखने आता है, चार मीनार देखने आता है, कुतुब मीनार देखने आता है, अक्षरधाम भी कोई देखने नहीं आता है और कोई दूसरा चीज देखने नहीं आता है, मुगल का चैप्टर हटा दे, मैं कह रहा हूँ योगी जी अब मुगल का चैप्टर मत हटाइए, आप तो नाम परिवर्तन कर देते ना, तो आप एक काम कीजिए मुगल का नाम अकबर का जगह अपना नाम दे दीजिए, इतिहास में लिख दीजिए योगी जी ताजमहल बनाया था, और कोई जगह लिख दीजिए मोदी जी फतेहपुर सिकरी बनाया था, तो नाम बदल दीजिए, आपका नाम बड़ा हो जाएगा, आप इतिहास को मिटा दोगे? हिम्मत तो तोड़ दो भाई, सब कुछ तोड़ दो, कौन सा इतिहास बना रहे हो? कौन सा हिंदू मुस्लिम का दंगा लाके इतिहास बना रहे हो आप? कहाँ दंगा नहीं हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, और आप लोग कैसे कहाँ गजवाई हिंद, कौन सा गजवाई हिंद का बात कर रहे हो? कोई गजवाई कौन हिंदू, सुनिए गजवाई गुजरात मॉडल जैसा बना तो उसे हिंदुस्तान का मॉडल बनाया जाए, कौन सा गुजरात मॉडल की बात करते हो? 2002 में जो दंगा उस गुजरात मॉडल की बात करते हो? और मैं आप जैसे पत्रकारों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा बीजेपी से सवाल क्यों करते हैं? बिहार में किसका सरकार है? बीजेपी का सरकार है।
बिहार में किसका, झारखंड में किसका सरकार है? बीजेपी का सरकार है। पिछला साल जब राजस्थान में जब दंगा हुआ था किसका, कांग्रेस का सरकार है। आप लोग हमेशा बीजेपी से सवाल करते हो, क्यों नहीं कांग्रेस से पूछा क्या मुसलमान का वोट लेते, मुसलमान का सुरक्षा कौन देगा? जुनैद नासिर को मारा गया, मोनू मानेसर का नाम अपने फायर से हटा दिया, कौन हटाया? बीजेपी हटाया, कांग्रेस हटाया राजस्थान से। आप बंगाल में ममता बनर्जी से क्यों नहीं पूछते हो कि ममता बनर्जी शिवपुर में मान लिया आपका फेलियर है, और आप कैसे मुख्यमंत्री है? आप बोलते कि एक मैनेजर को पता था, और आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? आपको पता होने के बावजूद दंगा हो गया, चलिए मान लिया कि बीजेपी ने कराया, लेकिन हुगली में क्या हुआ? हुगली में क्या हुआ? इसका मतलब क्या मांग रहे कि दंगा लगा के मुसलमानों को डरा के मुसलमानों का वोट लेना, ये मांग रहे? मुसलमान अब जा चुका है, आप दंगा लगा के मुसलमान को डरा के, मुसलमान को डरा के सोचिएगा वोट लीजिएगा, पंचायत वोट है, ये नहीं होने वाला है। मुसलमान अभी इससे बेवकूफ नहीं बनेगा, मुसलमान को तुम उसका जो हक है वो दो। भिखारी नहीं है हम, 500 रुपया दोगे तो हम चुप हो जाएंगे, हमें नौकरी दो, हमें रोजगार दो, हमारे मोहल्ले में स्कूल खोलो, हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई करेंगे। ये सब डरा के सेकुलर पार्टी मुसलमान को डरा के मुसलमान का वोट लेती है, और बीजेपी मुसलमान को मार के हिंदू का वोट लेती है। ये राजनीति चल रहा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि तुमको जोर राजनीति करना करो, जिससे राजनीति करना करो, लेकिन एक बात सुन लो, लोग कहते हैं कि तुम लोग तो माइनॉरिटी हो, तुम लोग तो इतना सा कम हो। मैं कहना चाहता हूँ कि हम माइनॉरिटी है, हम 20 करोड़ है, भाई तुम 100 करोड़ हो ना, लेकिन एक बात याद रख लो, हुजूर का शान में गुस्ताखी करोगे तो ऐसा 100 करोड़ का मकबूल अपना जूती में रखता है। हमने कभी भी हमारे हुजूर का शान में आए दिन गुस्ताखी की जाती है। आज तक कोई मुसलमान भगवान राम को गाली दिया, कोई मुसलमान सीता को गाली दिया, कोई मुसलमान दुर्गा को गाली दिया? नहीं गाली दिया। अरे हम चाहते नहीं रह सकते, हम संविधान को मानते हैं, मुसलमान जो असली सेकुलरिज्म है, लेकिन हम क्या करते, रामनवमी का दिन कोई जुलूस निकलता है उनको शरबत पिलाते, नहीं मेरे हिंदू भाई जुलूस में जा रहे, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सेकुलरिज्म का ठेका मुसलमान लेकर रखा है। मुसलमान कब जागेगा? मैं यही पूछ रहा हूँ कि ममता बनर्जी को जाना चाहिए था, नीतीश कुमार को वहाँ जाना चाहिए था, बिहार के मुसलमानों को तो जूता से मारना चाहिए। तुम कैसा मुसलमान हो? मदरसा जला दिया, 4,500 बुक जला दिया, कुरान शरीफ जला दिया, मस्जिद के अंदर आग लगा दिया, और तुम हराम के पैसे का इफ्तारी खा रहे हो? ये एक दिन यहाँ भी होने वाला है, सारा दिन रोजा रखोगे, नमाज पढ़ोगे, कुरान शरीफ पढ़ोगे, तिलावत करोगे, तुम हराम का पैसा का, इल्लीगल प्रमोटिंग का, तो यहाँ से चोरी का, टीचर रिक्रूटमेंट का, यहाँ वहाँ चोरी का पैसे का इफ्तार खोलोगे? इतना मुसलमान का हराम खाने का आदत हो गया, इसीलिए यह हाल है। मुसलमान का कोई नहीं है, मुसलमान को अपना सोचना चाहिए कि मेरा साथ मेरा अल्लाह है, तुम्हारे साथ पुलिस है, तुम्हारा पैसा है, तुम्हारे पास पावर है, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन मेरा लीडर सावरकर नहीं है, मेरा लीडर नाथुराम गोडसे नहीं है, मेरा लीडर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अगर मुसलमान डरता है तो सिर्फ अल्लाह से डरता है। तुम सोचोगे मार के मुसलमान को डराओगे, तुम सोचोगे काट के मुसलमान को डराओगे, तो मैं मुसलमानों को कहना चाहता हूँ टीपू सुल्तान का इतिहास पढ़ो, मैं मुसलमान को कहना चाहता हूँ खालिद बिन वलीद का इतिहास पढ़ो, तुम तलवार से हमें डराते हो, हमारा इतिहास पढ़ लो। नूपुर शर्मा का टाइम में एक इंसिडेंट हुआ था तो तुम्हारे बड़े बड़े नेता वीडियो बना के माफी मांग रहे थे, अगर मुसलमान एक करोड़ सड़क बेसी प्रोटेस्ट शांति प्रोटेस्ट करने निकल जाए तो तुम्हारी हवा टाइट हो जाती है, तुम मुसलमान से मुकाबला करोगे? लेकिन हमेशा हम शांति का पैगाम देते, हम शांति बनाए रखते, तो इसका मतलब तुम शांति बोलते बोलते आज तुम बोलोगे मेरा घर में हम क्या खाएंगे, तुम बोलोगे मेरा माँ बहन नकाब पहनेगी नहीं पहनेगी, तुम हमसे देशभक्ति का साबित मांगोगे, हमने देश को क्या नहीं दिया यार? अशफाकुल्ला खान दिया हमने, अब्दुल हमीद दिया हमने, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद दिया हमने, शाहनवाज खान शाहनवाज दिया हमने, जिसने आजाद हिंद फौज का कमांडर थे, जो सबसे पहला लाल किला में जाके जो हिंदुस्तान का झंडा लहराते हो, लाल किला में सबसे पहले झंडा कौन लगाया था? हमने वो मोहतरमा का नाम मुझे याद नहीं आ रहा जो हिंदुस्तान का झंडा बनाई थी। तुम हमारा सवाल उठाते हो, इस देश को यार रहमान दिया जिसने ऑस्कर दिलाया, आज बॉलीवुड को हिंदुस्तान में कोई जानता है तो शाहरुख खान सलमान खान हमने दिया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं होता तो आज मिसाइल कंट्री हिंदुस्तान नहीं होता। आप हमसे हमारा देशभक्ति का सवाल पूछते हो, मैं आज भी कहना चाहता हूँ पूरा हिंदुस्तान घूम लो, हर कब्रस्तान में जाओ और पूछो तुम्हारा देशभक्ति, कब्र के अंदर से आवाज आएगा मैं हिंदुस्तान। इस वीडियो को देख के आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें। तालियां होनी चाहिए कि वो इतने से वीडियो में उन्होंने जो टॉपिक एक एक लाइन में जो बात बोली है, जो भी देश में चल रहा है, जो हाल है ना, रियली पूरा बयान कर दिया यार। ये तो प्राउड का बात है हर मुस्लिम को लोगों के लिए कि ये इतने अच्छे भाई है आप लोगों के मजहब में, ठीक है, इतने अच्छे है जो आप लोगों को इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं यार, रियली ठीक है। ये प्रोटेस्ट करने बोल रहे हैं, लेकिन ये इतना ये भी नहीं बोले कि दंगा करके आप प्रोटेस्ट करो, ये बोले संविधान को देखते हुए शांतिपूर्ण। इतनी अच्छी बातें यार, सही बात बहुत बोले। इनकी मतलब बातों से ये पता चलता है कि वो बोलना चाह रहे हैं कि जो यानी कि सिर्फ एक चीज को टारगेट मत करो, सभी जितने भी नेता है हर वो पार्टी वाले वो सबको बोल रहे हैं कि आप लोग क्यों नहीं खड़े होते जब किसी के साथ गलत होता है, और हर समय एक ही क्यों सेक्युलर बन के रहेगा, सबको ही अच्छे से रहना चाहिए मिलजुल के, यही ये बातों से पता चला है बिल्कुल। ये ऐसा नहीं लगा कि ये सिर्फ मुस्लिमों के लिए बोल रहे हैं, ये हमें अभी जितने भी लाइन को बोले उसमें पूरे में देश के लिए बोले कि देश को जोड़ के रखना है तो दोनों को साथ में रहना पड़ेगा।
और गाइस ऐसा बहुत सारे जो वीडियो का बात किए रियली गाइस मैं देखा अभी रामनवमी में, ठीक है। सबसे पहले तो सबसे पहले हम सभी मुस्लिम भाइयों से माफी मांगेंगे कि ऐसा सब सिचुएशन हो रहा है उसके लिए, क्योंकि देखो बहुत मैं ऐसी ऐसी वीडियो देखा हूँ कि तोप ला के डायरेक्ट जो मस्जिद है उसके दरवाजे में फोड़ रहे हैं, ठीक है, और फिर नबी को थोड़ी बहुत बातें बोल रहे हैं, ठीक है, उनके और अभी होली पे नकाब लगा के कई सारी लेडीजें जा रही थी रोड से तो उनको बैलून मार रहे हैं, कलर डाल रहे हैं, ये सब चीजें हो रही है। ये कितनी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बोली कि और ये गौर करने वाली चीजें हैं कि इतना देश मतलब इतनी सारी चीजें हो रही है लेकिन किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मतलब एक रिलीजन के लिए, क्योंकि लोग कानून नाम की कोई चीज ही नहीं बची है ऐसा लगता है ये सब चीजें देख के, क्योंकि हमारे नबी के बारे में इतनी कुछ बातें बोलते हैं लेकिन उसके बाद भी हमारे मुस्लिम भाई बोलते हैं इतने सारे क्राइम करके और क्या बोले इनके लिए। सच में ये हमें खुद अपने आप में एक शर्म आता है यार कि वो जब ऐसा नहीं कर रहे हैं, जब उनका ईद होता है तो वो जब हमारे मंदिर में ये सब नहीं करते तो हम उनके मस्जिद में जाके ये सब क्यों करें। हमें फालतू का दूसरों पे क्यों थोपे कि आप जो हम मान रहे हैं वही आप भी मानो, ठीक है, और आप जो मान रहे हो वो हम मानिए, वो हम स्वतंत्र देश के नागरिक है, ठीक है, हमारे हमें अधिकार है कि हम जिसे चाहे उन्हें उसे मान सकते हैं, हम अपना दिमाग खोल सकते हैं। ये तो कितनी शर्म की बात है कि एक धार्मिक चीज को कोई त्योहार को उसमें दंगे करना बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि ये चीज होती है कि धार्मिक चीजें आप भगवान को किसी भी नाम से आप मानो लेकिन वो चीज होनी चाहिए कि उसमें आप शांति दिखाओ, ठीक है, अच्छी इंसानियत दिखाओ, इंसानियत दिखाओ तो आपके त्योहार को और भी ज्यादा लोग पसंद करेंगे, अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ। तो गाइस ये था वीडियो, आप क्या सोचते हो इस वीडियो के बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना क्योंकि ऐसे मुस्लिम भाई हमारे देश में है। यस रियली बहुत प्राउड फील होते हैं अपने आप में यार कि ऐसे भाई है जो इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, ठीक है। तो गाइस आप क्या सोचते हो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, और अगर आप इस वीडियो पे न्यू होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, आई लव यू गाइस।